आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ट्स। तो हमारे एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला का लास्ट टॉपिक जो कि है चार्ट्स, जिसके ऊपर हम आज इन क्लासेस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि चार्ट्स और चार्ट्स के ऊपर डायनेमिक चार्ट्स के बाद ही हम वीवीए की तरफ मूव करते हैं। और ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आपको वीवीए प्रोग्रामिंग में भी काम आता है और डैशबोर्ड में भी काम आता है। खासकर डैशबोर्ड्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चार्ट्स। इससे संबंधित भी हमने आपको पिछले क्लासेस में कुछ वीडियोज दिए थे, आशा है कि आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं चार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले जानिए, हम थोड़े से थ्योरिकल पार्ट को लेके चलते हैं चार्ट से, फिर हम जाके प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम सबसे पहले जान लीजिए कि चार्ट का इस्तेमाल करते क्यों हैं। चार्ट का इस्तेमाल करते हैं कंपेयरिंग के लिए, इजीली हम कंपेयर करने के लिए चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसको मैं समझाना चाहूं तो कुछ इस तरह से समझाऊंगा, जैसे कि यहां पे मैंने दिया नेम, मान लीजिए मंथ देता हूं मैं, सॉरी मंथ, और यहां पे हमारा सेल्स है, और मैंने मंथ यहां पे दे दिया, और हम सेल्स जो है छोटा सा सेल्स देते हैं यहां पे, बड़ा सेल्स नहीं देते हैं, छोटा सा देते हैं। अब आप इस डेटा को इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन हाईएस्ट है, कौन लोएस्ट है, कौन मिड है। अब बता सकते हैं कि फरवरी महीने में 98 है और उसके बाद 85 है, उसके बाद आप बोलेंगे 65 है, इजीली कंपेयर कर सकते हैं ना सर। लेकिन यही डेटा अगर मान लीजिए अगर आपके पास करोड़ में हो जाए, तब कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्या मेहता आलम जी, मैं सही बोल रहा हूं? हाँ तो इसको इसको इजीली कंपेयर करने के लिए और समझने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं चार्ट्स। इंसर्ट, और यहाँ चार्ट लगा। ठीक है, अब यहां पे इजीली आप कंपेयर कर सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट जुलाई है और सबसे लोएस्ट फरवरी है, समझ गए? तो चार्ट्स जो है, ग्राफ चार्ट जो आज से यूज नहीं हो रहा है, ये सदियों से यूज हो रहा है। पुराने जमाने के रूलर्स को आंकड़े समझ में नहीं आती थी तो इसी तरह के स्तंभ से उनको समझाया जाता था, तो बहुत पुराना है, आज भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चार्ट का इस्तेमाल हम इजली, चाहे किसी भी तरह का चार्ट का इस्तेमाल, हम मान लीजिए कि आप इंसर्ट मेनू बार में जाइए, बहुत सारे कैटेगरी के चार्ट्स है, किसी भी चार्ट्स का इस्तेमाल हम जस्ट कंपेयरिंग के लिए करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं चार्ट से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में। अब यहां पे मैं मंथ देता हूं और यहां पे सेल्स, फिर भी सेल्स देता हूं, वही रिपोर्ट बनाता हूं लेकिन छोटा बनाता हूं ताकि समझ में आए आपको। तो यहां पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं चार्ट बना दिया और चार्ट बनाने के बाद मुझे पता चला कि मुझे इसमें टारगेट ऐड करना है, तो आप इसमें टारगेट ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कैसे मैं दोबारा चार्ट बनाना पड़ेगा या फिर इसी में ऐड कर सकते हैं? आप इसी में ऐड कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए और
नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर दीजिए, आपको यहां पर आ जाएगा, ये आपका चार्ट ऐड हो गया। अब चार्ट हम मान लीजिए टारगेट ऐड कर लिया, तो मैं चाहता हूं कि मेरा टारगेट किसी और टाइप का हो, मतलब कि सीरीज का जो टाइप है मैं एक को कॉलम रखना चाहता हूं, दूसरे को कोई और टाइप करना चाहता हूं, तो उस पर आप क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और चले जाइए चेन सीरीज चार्ट टाइप पे, और वहां पे आप ऊपर बाय डिफॉल्ट ऊपर है चार्ट्स, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो इसे यहाँ से, या फिर आप जो है सॉरी सॉरी यहाँ पे मैं जाता हूँ चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे, तो यहां से भी आप चेंज कर सकते हैं, ऊपर तो है ही, उसके अलावा आप यहां से भी अपना चार्ट ले सकते हो कि किसको क्या चाहिए, तो आप इस तरह से सीरीज को चेंज कर सकते हो। लेकिन एक और इसमें प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम कब आएगी, जब आपके पास डेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा। हम इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हम मान लीजिए कि हम फिफ्टी परसेंट हमने यहां पे दे दिया। अब मुझे इसको चार्ट के अंदर इंक्लूड करना है। चार्ट के अंदर इंक्लूड करने पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब देखिए जो हमारा टारगेट है वो विजुअल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये परसेंट में है और ये इसको एक्सेल जो है 50% नहीं 0.50 समझ रहा है, इसलिए नीचे बहुत नीचे आ रहा है। तो इसको इसको कैसे करना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूं इसके लिए सेकेंडरी एक्सेस लेके आओ, वो कैसे लाया जाएगा, तो यहां चार्ट के बगल में आपके पास फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट पे जाए, फॉर्मेट सिलेक्शन पे क्लिक करें, और यहीं पे आपको दिखेगा सॉरी माफ कीजिएगा हमने गलती कर दी, आपको यहां पे सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे जाना है यहाँ फॉर्मेट में, और यहाँ चार्ट एरिया या फॉर्मेट एक्सेस की जगह पे आपका जो टारगेट है जिसको करना चाहते हो सेकेंडरी एक्सेस उसको आप सेलेक्ट करें। उसके बाद आप अगर फॉर्मेट सेल में जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा सेकेंडरी एक्सेस। अभी सेकेंडरी एक्सेस पे हम गए, क्लिक कर दिया, लेकिन सेकेंडरी एक्सिस होने से दिक्कत क्या हो जाता है कि दो एक ही तरह के चार्ट रखते हैं तो उसमें दिक्कत होता है कि एक आपका इसको अलग चार्ट भी कर सकते हैं लेकिन आप ओवरलैप हो रहा है, तो मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सिस में जाता हूं और इसकी जो मिनिमम है उसको मैं जीरो कर देता हूं, ठीक है जीरो, और मैक्सिमम जो है इसको वन कर देता हूं, वन इट मीन्स 100%। तो यहां पे आपको दिख जाएगा कि कितना परसेंट टारगेट को अचीव कर रखा है, समझ गए सर, इस तरह से इसको दिखा सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग का। देखिए अगर हम चार्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है इसकी फॉर्मेटिंग। जब हम इसको इंसर्ट पे जाते हैं आप, तो यहाँ पे आपको एक तो आपको मिलता है रिकमेंड चार्ट। तो रिकमेंड चार्ट क्या होता है कि आपकी इस डेटा को खुद ब खुद वो एनालाइज करता है और बताता है कि इस डेटा पे कितने तरह का चार्ट हो सकता है, जैसे कि इसने यह आपको वाटरफॉल चार्ट दिखा दिया, देखिए तो कितने तरह के चार्ट हो सकते हैं वो चार्ट यहाँ पे आपको प्रपोज करेगा। और हर चार्ट जब सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर डिजाइन में इसका दो चीज है, पहला है चार्ट स्टाइल कि आपका चार्ट जो लगा है वो किस स्टाइल का होना चाहिए, तो जो आप सिलेक्ट करेंगे आपका चार्ट उसी स्टाइल में चला हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका स्टाइल है हर चार्ट के लिए यहां पे दिखेगा, और दूसरा आता है उसका लेआउट।
लेआउट मतलब उसका देखिए क्या टाइटल है, ये आपका एक्सिस है, नीचे एक्सिस है, तो आप अगर क्विक लेआउट में जाते हैं तो अगर आपने मान लीजिए इसको चूज कर लिया तो ऊपर चार टाइटल दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। तो इस तरह के चार्ट्स के जो फॉर्मेटिंग है वो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो अगर आपको चार्ट अगर आपने इंसर्ट किया है तो। यहाँ पे देखिए अलग अलग चार्ट के लिए अलग अलग डिजाइन है, जैसे आप देखिए इसके लिए काफी डिजाइन काफी ज्यादा है, तो आप अपने हिसाब से डिजाइन को सेलेक्ट कर सकते हो। उसी तरह से लेआउट भी ज्यादा है यहाँ, तो लेआउट जैसे ये आपका लेआउट 5 है। अब लेआउट 5 का इस्तेमाल कब होता है, जब इसका यूज होता है जब हम लोग चार्ट को पीपीटी में या फिर पीडीएफ में या कहीं और लेके जाते हैं, जहां पे हम डेटा नहीं ले जाना चाहते हैं, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अपने हिसाब से प्रीपेयर मतलब बने बनाए हमारे पास फॉर्मेट होते हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसका अप्लाई नहीं किया तो आप खुद ब खुद भी फॉर्मेट कर सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं मैनुअल चार्ट फॉर्मेटिंग की। तो मैनुअल चार्ट फॉर्मेटिंग हम कैसे करेंगे, चलिए इस पे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा चार्ट है, तो पहले आप चार्ट के स्ट्रक्चर को समझिए। जब चार्ट इंसर्ट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्बेड चार्ट, क्योंकि तो ये चार्ट एम्बेड होता है। दो तरह के चार्ट होते हैं, एक होता है सीड चार्ट, जैसे डेटा को सिलेक्ट किया और मैंने कर दिया F11, F11 कर दिया आपने, तो आपका चार्ट एक नई सीट पे आया जो कि चार्ट सीट कहलाया। लेकिन हमने यहाँ पे जो दिया हुआ है, हमने जो चार्ट बनाया हुआ है वो एम्बेड चार्ट कहलाएगा। तो एम्बेड चार्ट कहलाता है। तो एम्बेड चार्ट के बेसिकली जो एक तरह से ऑब्जेक्ट होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहले चार्ट एरिया, जिसपे पूरा का पूरा चार्ट डिपेंड करता है। दूसरा आता है आपका प्लॉट एरिया, जिसपे आपका जो एक्सिस है वो एक्सिस आता है। और फिर आपका यह आता है एक्सिस लेजेंड, जो जो कि आपके डेटा से कनेक्टेड होता है और उसकी साइज एज पर डेटा के साइज के अकॉर्डिंग बढ़ता घटता रहता है। तो आप इन सब को इंडिविजुअली फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया चार्ट एरिया पे और राइट क्लिक किया, हमारे पास आ गया फॉर्मेट चार्ट एरिया। चार्ट ये फॉर्मेट चार्ट एरिया। अब इसमें देखिए इसमें तीन कैटेगरी यहाँ पे दिख रहा है। पहला है आपका फिल, फिल एंड लाइन जिसको बोलते हैं, दूसरा आपका इफेक्ट और तीसरा आपका साइज एंड प्रॉपर्टीज। तो हम बात करते हैं फिल से। फिल में आप इस फिल के अंदर में आते हैं तो एक आपका आता है नो फिल, कोई डेटा फिल नहीं करेगा तो बैकग्राउंड का आपका पूरा जो पीछे का एरिया है वो दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं पीछे के एरिया पे कलर कर देता हूँ, कोई बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, तो वही आपका चार्ट का कलर हो जाएगा, क्योंकि वो पीछे के पूरा एरिया को दिखा देता है। जैसे मैं पीछे जो है मान लीजिए कि मैं दे देता हूँ ब्लैक, ठीक है सर। तो ये आपको ओके उसको आता है कि अगर आप मान लीजिए कि हम कलर इसमें ब्लैक बैकग्राउंड में नहीं, मैं सॉलिड कलर देना चाहता हूँ, कोई मैं खुद ब्लैक कलर देना चाहता हूँ, तो यही से आप ब्लैक कलर चूज कर लोगे तो खुद का ब्लैक कलर होगा। अब ये पीछे जो ब्लैक ब्लैक कलर डाला हुआ है इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। मैं यहाँ से नो फिल कर देता हूँ। अब उसके बाद सॉलिड फिल में एक आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये हुआ कि सॉलिड कलर जो आपका दिया हुआ है ब्लैक, वो कितना परसेंट ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। तो उसके लिए आप यहां से परसेंटेज डिफाइन, जिससे आप परसेंटेज को बढ़ाओगे आपका पीछे का एरिया उतना दिखता चला जाएगा। तो बेसिकली इसका यूज कब करते हैं, जब आप पिक्चर वगैरह लगाते हैं तब। गिडियन फिल, इसमें आप दो तरह के कलर और कलर के एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हो कि किस तरह से एडजस्टमेंट हो, तो अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। पिक्चर्स मतलब कि कोई अगर पर्टिकुलर फाइल है आपके पास पिक्चर की, तो वो फाइल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो।
तो इसकी बैकग्राउंड में उसकी पिक्चर आ जाएगी। आपने कहीं से कॉपी किया तो क्लिपबोर्ड में कर लीजिए, या फिर आप यहीं से डायरेक्ट ऑनलाइन ढूंढना चाहते हैं तो ऑनलाइन पे चले जाइए, वो आपका पिक्चर आ जाएगा। और यहीं पे पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी को कम और ज्यादा आप कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ऐसे यहाँ पे पैटर्न फील है और यहाँ ऑटोमेटिक, जैसा ऑटोमेटिक होता है ऑटोमेटिक आएगा। तो ये तो रहेगी चार्ट की कलर और आउटलाइन, जो उसकी बॉर्डर है, तो बॉर्डर की फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। सेम उसी तरह से यहाँ पे शेडो थ्री इफेक्ट है, उसके अलावा प्रॉपर्टीज वगैरह, जैसे साइज वगैरह क्या होना चाहिए, हाइट विड्थ प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, ये चीजें मेंटेन कर सकते हो आप। और ये हर किसी का अलग अलग होता है। अब जैसे मैं सीरीज को सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास सीरीज का अलग अलग आता है यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, इस पे मैं यहाँ पे उल्टा चलता हूँ सीरीज ऑप्शन से, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं ओवरलैप की। ओवरलैप मतलब कि जैसे कि आप इसको कम करोगे, माइनस में करोगे, ऐसे एक दूसरे के साथ और ज्यादा चिपकेगा, और आप पूरा कर दोगे तो एक दूसरे के ऊपर वो आ जाएगा, जैसे कि अभी हमने टारगेट में था हमारा। और गैप विथ कब होता है, जैसे दो सीरीज होता है ना, तो उनके बीच में कितना गैप बढ़ना चाहिए और घटना चाहिए वो यहाँ से डिसाइड होता है। अलाइनमेंट वगैरह में नॉर्मल शैडो और ग्लो वगैरह है, अभी नॉर्मल कर सकते हैं, कोई खास नहीं होता है। और फिल में जो मैंने बताया था वही फिल हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे बॉर्डर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिल का एक और इस्तेमाल, एक और तरीके से इस्तेमाल करते हैं, चलिए वो चीजें हम आपको अभी इसमें बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए बैंक नेम है यहाँ पे, जैसे PNB, SBI, IDBI और HDFC, ऐसे बैंक है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे मंथली सेल दे देता हूँ। मंथली सेल में ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट है, थोड़ा सा बेसिक और लग रहा होगा, आप लोग नींद आ रही होगी आपको क्लास में, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि ये मुझे नहीं पता ये पार्ट आपको पता है नहीं पता है, क्योंकि चार्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूरा ही पढ़ाऊंगा ना सर। तो इंसर्ट किया और हमने यहाँ से मान लीजिए कि कॉलम चार्ट ही मान लीजिए ले लिया। अब कॉलम चार्ट को हम यहाँ थोड़ा इसको और बड़ा भी कर देता हूँ मैं, फिर भी मुझे यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि कौन सा लाइन किस बैंक का है, इसके लिए मुझे यहाँ पे मैच करना पड़ेगा। क्या सर कि इसमें जनवरी में ये आपका पीएनबी है या आपका, ये पता नहीं चल पाता है। तो उसका तरीका है कि आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड डेटा लेवल कर दें, और यहाँ पे 70 दिख गया, तो 70 के साथ साथ अगर राइट क्लिक करके अगर फॉर्म में डेटा लेवल करते हैं तो यहाँ पे आप सीरीज नेम भी दे सकते हो। और ये अगर इस तरह से दिक्कत हो रही है तो आप इसकी अलाइनमेंट में जाके इसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो। ये ऊपर दिख रहा है, इसको सेंटर करना है तो आप इसको यहाँ पे, हाँ यहाँ यहाँ सेंटर कर सकते हो आप, या इनसाइड एंड कर सकते हो, या आउटसाइड एंड कर सकते हो, अपने हिसाब से कहीं पे रख सकते हो, इससे पता चलता है आपका। लेकिन फिर भी इस पे पता तो चलता है, लेकिन गौर से देखना पड़ता है। इसका कलर कलर वगैरह चेंज कर दीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं इसकी कलर व्हाइट कर देता हूँ ताकि ज्यादा दिखे हो, या रेड कर देता हूँ, ब्लैक तो पहले से थी। ठीक है, लेकिन एक और दूसरा तरीका है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, उसके लिए हमें गूगल की सहायता लेनी पड़ेगी। चलिए गूगल में चलते हैं। इसमें मैं
मान लीजिए कौन सा बैंक हमारा, हमारा है SBI, तो SBI लोगो हम सर्च करते हैं, इमेज में जाते हैं और कोई ढंग का लोगो देखते हैं। यही ठीक है आगे, हाँ ये ठीक है। इसको कॉपी करता हूं और यहां पे इसको पेस्ट करता हूं। सबसे पहले इसकी साइज को कम करता हूं, पांच भी ज्यादा, और उसके बाद इसको हम यहाँ, यहाँ पे रोटेशन आता है, रोटेशन में 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दिया, और फिर इसको हमने कॉपी किया और जहाँ हमारा स्टेट बैंक था उसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट प्रिंट एरिया में गया और यहाँ फिल में पिक्चर्स में हम क्लिपबोर्ड के कॉपी कर रखे हैं, इसलिए हम क्लिपबोर्ड यूज कर रहे हैं। और ये ट्रांसपेरेंसी 40% है तो ट्रांसपेरेंसी हम घटा देते हैं, ठीक है सर। तो ये इजीली समझ में आ रहा है कि स्टेट बैंक का है क्योंकि लोगों पता चल रहा है। लेकिन कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर एक पर्सन बाय सेल हो तो कैसे करेंगे? अब किसी एक पर्सन का फोटो तो नहीं लगा देंगे ना सर। मान लीजिए कि नेम बाय सेल्स ऑफिस बाय सेल है और पुनीत शर्मा जी का नाम है तो पुनीत शर्मा जी का फोटो तो ही लगा दूंगा इसमें। तो उस केस में ये होगा कि आप इंसर्ट में, आप इलिस्ट्रेशन में जाएं और इलिस्ट्रेशन में आप सैप्स में कोई भी सैप चूज कर ले, नहीं माफ कीजिए सैप नहीं, और यहाँ टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, और इस पे मैंने लिख दिया IDBI बैंक, और फिर यहाँ सब यहाँ पर रखते हैं, और इसको फॉर्मेट में जाके हम रोटेट करते हैं। और फिर यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, मदरबोर्ड खराब है ना इसका, लैपटॉप का खराब हो बेकार हो गया। गया, लैपटॉप की ऐसी की तैसी हो गई, माना हो गया। और फिर इसको चलिए कॉपी कर ले, कॉपी कर ले, लेकिन कॉपी करने के बाद ध्यान रखिएगा आपको यही पे पेस्ट कर लेना है, पेस्ट एज ए पिक्चर। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं आपको साइड में इतना सारा ब्लैंक एरिया आ रहा है, ये आपके रिजल्ट को इफेक्ट कर सकता था, इसलिए हमने कॉपी करके पेस्ट करवाया। फिर इसको कर्व करेंगे, जो फालतू की एरिया है उसको कर्व करके यहां से हटा देगा, ऊपर नीचे, ताकि हमारा रिजल्ट इफेक्टेड ना हो। तो नाम लिखते समय इसके टेक्स्ट बॉक्स का, तो इसका ही आप खास ख्याल रखिएगा,
अब इसको हम कॉपी करेंगे और जो हमारा जहां इसको देना है फॉर्मेट एक्सिस में और यहां पिक्चर्स क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल भी इस तरह से पिक्चर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो ताकि इजिली आइडेंटिफाई हो। तो आपको देखना है कि मुझे इस तरह का चाहिए, वो टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए या लोगो चाहिए या इस तरह से नाम लिखा हुआ चाहिए, पूरा में डिपेंड आपके करता है, ठीक है सर। तो आप चार्ट पे प्रैक्टिस, कल हम आपके साथ चार्ट में कुछ और ट्रिक्स बताएंगे, ट्रिकी चार्ट बताएंगे, समझ गए। चार्ट की टोटल 5 क्लासेस चलेगी, आज पहली है, 4 क्लासेस और है जिसमें 2 चार्ट आपका डायनेमिक चार्ट है, मैं बटन्स वगैरह कैसे विदाउट वीवीएम इस्तेमाल करते हैं, साइन करते हैं, वो चीजें, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल मिलते हैं सेम टाइम।